कि जब हम दुखी होते हैं या कोई परेशानी होती है या दिल पे कोई बोझ होता है या हमें कोई मसला पेश आता है या कोई जरूरत पेश आती है, तो हम सबसे पहले किसका सोचते हैं? ये एक टेस्ट है हमारे लिए। हमें सबसे पहले अल्लाह सुभान व तआला के बारे में सोचना चाहिए कि वो है ना, क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं, क्योंकि वो है। जब लोग सो जाते हैं वो उस वक्त भी जागता है, जब लोग भूल जाते हैं वो उस वक्त भी याद रखता है, जब लोग नाराज हो जाते हैं वो उस वक्त भी हमारी सुनता है। और शिर्क का पहला दरवाजा ही यहाँ से खुलता है, जब बंदा अपनी किसी भी मुश्किल में अल्लाह की तरफ जाने की बजाय लोगों पर तवक्कुल करने लगे, लोगों के पीछे भागने लगे, इंसानों पर उम्मीदें रखे और इंसानों को अपना राजिक और अपना मालिक समझने लगे। कोई इंसान ऐसा नहीं कि जो जरूरतमंद ना हो। किसी भी इंसान से जाकर मिलके देखें, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, दुनिया के गरीब तरीन इंसान को भी और अमीर तरीन इंसान को भी और उनके बीच के भी लोगों को, सब के सब मोहताज, सब के सब जरूरतमंद हैं। और सबकी जरूरियात सिर्फ एक रब ही पूरी कर सकता है, कोई बंदा नहीं कर सकता। इसलिए लाजिम है कि हम अव्वल व आखिर उसी को पुकारें, उसी की तरफ रुजू करें कि अल्लाह ताला है और वो सुनता है और वो मुश्किल आसान करेगा और जरूर करेगा, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उसे किसी से मशवरा नहीं करना, उसे किसी से मांग के नहीं देना, क्योंकि सब चीज उसके कंट्रोल में है, उसके इख्तियार में है। नूह अलैहि सलाम के बारे में कुरान मजीद में आता है, सूरत अस्साफात 75, वलकद नादाना नूहुन वलनअमल मुजीबून। और अलबत्ता तहकीक, नूह अलैहि सलाम ने हमें पुकारा था जब लोगों ने उन्हें इंतहाई तंग कर दिया और उनकी बात मानकर नहीं देते थे, तो इस मुश्किल में उन्होंने हमें पुकारा था, वलनअमल मुजीबून, हम कितना अच्छा जवाब देने वाले हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी, बेहतरीन तरीके से सुनी, दुआ कबूल की और उनकी मुश्किल आसान कर दी। मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आजमाइश कितनी भी तवील हो, दुख और दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, किसी भी किस्म का क्यों ना हो, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा पुर उम्मीद रहना चाहिए। हमारे लिए मुश्किल होती है, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं। इंसानों के खजाने खत्म हो जाते हैं, अल्लाह के खत्म नहीं होते। और फिर हमारी अकल जवाब दे जाती कि किसी मसले का हल क्या करें, कैसे करें, लेकिन उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं। इसलिए हमेशा हर हाल में, हर मौके पर, छोटी जरूरत में और बड़ी जरूरत में उसी को पुकारते रहना चाहिए। वज़्कुर रब्बक फी नफ्सिक, बंदों को पुकारने के लिए तो ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, चीखना चिल्लाना पड़ता है, लेकिन उसको दिल दिल में तदर्रुअन व खीफतन, आजजी और जारी के साथ, गिड़गिड़ा के, चुपके चुपके, वदून अल जहरी मिन अल कौल, और आहिस्ता आहिस्ता ज़ेर लब बातें करते करते, बिल गुदुव वल आसाल, सुबह और शाम, वला तकुम मिन अल गाफिलीन, और गाफिलीन में से न होना। क्योंकि इबादत का क्या मतलब है? मोहब्बत, इताअत, आजजी और इनकिसारी के साथ अल्लाह के आगे झुकना। और इस झुकने में जो अहम तरीन और पसंदीदा तरीन चीज है वो है अपनी हर जरूरत के लिए अल्लाह के आगे हाथ फैलाना, अल्लाह से मांगना। जब भी कोई भी परेशानी जिंदगी में हो, सबसे पहले अल्लाह ही का ख्याल दिल में आना,